इतनी देर से कॉल कर रही हूँ बेटा तुम्हें, तुम कॉल नहीं उठा रहे हो दामाद जी। हाँ, तुम तो ठीक ही होगे बेटा, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। मुझे एक बात बताओ कि ये तुमने हमारी बच्ची को क्या वहाँ पे रोलने के लिए जो है वो शादी करी थी है, उसको ऐसे छोड़ के छाड़ के तुम रोज चले जाते हो, पीछे से पूछते नहीं हो। मेरी बच्ची रोज से सक रही है, बिलक रही है, उसके साथ तमाशे लगाए हुए, रोजाना का आना जाना, सारी चीजें बहनों की तुम्हारी है। मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें देखना क्या इसका फर्ज बनता है अकेले? तुम्हारी बहनें कुछ कर लेंगी तो क्या उनका कुछ चला जाएगा है? और तुम्हारी अम्मी जो बैठी हुई हर वक्त हुकूमत ही करती रहती है, उनको कोई लिहाज नहीं है भाऊ का, इसलिए लेकर गई थी क्या भाई? क्या मतलब है? हाँ नहीं, हमसे तो करना भी नहीं कंपेयर। हमने तो अपनी बहू को जो है ना जैसे भी रखा हुआ है, वो हमारे घर का मामला है, ठीक है। लेकिन ये हमारी बच्ची तुम्हारे आई है, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ। हमारी जो बहू आई थी, हमने पहले उनके घर वालों को बता दिया था कि इसको सारी चीज़ें, ये सब कुछ संभालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सीधी सी बात है, और पराए घर से आई हुई है ये हमारी जो बच्ची है, ये तो तुम्हारे अपनों की बच्ची है, ये तो तुम्हारे खुद के खानदान की बच्ची है, और फिर भी उसके साथ ऐसा कर रहे हो। ये तो चलो गैर आई है, इसके साथ तो चलो कुछ भी हो तो कोई इंसान इतना क्या बोल लेगा, अपनों से तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते ना। हाँ, मुझे मुझे मत बताना बेटा हमारे घर की बहुओं के साथ हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है सही रखा हुआ है हमने, बिल्कुल जैसे रखना चाहिए, छोटे घर की आई हुई है ये। हाँ, और उसके बाद इतनी हमने इनको ऐशो आराम दिए हैं, अपना कमरा खाना पीना सब दिया हुआ है हमने इनको। हाँ दो चार अगर कुछ सुन लेंगी हमारी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारी बच्ची पढ़ी लिखी घर से गई है ये। हाँ उसके साथ ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़रा ये समझा देना अपनी माँ बहनों को। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, वरना मैं आ जाऊँगी तो बात खराब हो जाएगी, देख लो तुम फिर। हाँ फिर नहीं कह